खबर देवे कोई शर्मी औलाद एडी खबर आइंदा सुन दे ना मने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग के अंदर। और आज मैं आया हूँ मानसर चौराया रामपाल की ऑफिस, जैसा कि मैं रोज आता हूँ, बट आज कुछ स्पेशल है यहाँ पास में ही। तो फिर मैं पहुंच चुका हूं अपना यहां जहां रक्तदान हो रहा है बाबूलाल जी की स्मृति याद में। और भाई साहब, ये कितनी बार हो रहा है? ये तीसरी बार हो रहा है। इस बार मौसम भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हर बार कहता हूं कि खून देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपका हृदय भी अच्छा रहता है और हार्ट की भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो रक्तदान करते रहना चाहिए। और जो डेंगू का टाइम है इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रक्त की। एक गजब की बात बताऊं क्या, लो ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं और यूथ भी, और मैं आज आश्चर्यचकित हो गया और प्राउड महसूस कर रहा हूं इनको देख के कि ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। 44 साल का है और ब्लड डोनेट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। भाई, आज दिनांक 9/11/2022 को मेरे स्वर्गवासी पिताश्री श्री बाबूलाल जी भाकल साहब, उप रजिस्ट्रार नागौर सहकारी समितियों के तृतीय पुण्यतिथि पर हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और इस बार का जो कैंप है बड़ा ही विशेष कैंप है, क्योंकि हमने अपने निवास स्थान भाकल भवन पर ही इसका आयोजन किया है। ये एक बड़ा ही युवाओं में अच्छा संदेश जाता है कि रक्तदान माँ दान, इससे बड़ा कोई नहीं है दान। और आज मेरे ताऊ जी श्री नरनारायण जी, श्री हंसाराम जी, इन्होंने भी 70 साल की उम्र में खून दान करने की मंशा जाहिर की, लेकिन मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्म्स में 50 साल के ऊपर के व्यक्ति का खून नहीं लिया जाता, इस कारण इनको मना किया गया। ये भी एक जज्बा है कि भाई 70 साल की उम्र में भी इन्होंने खून दान करने की जाहिर की। और हमारे मामा श्री श्री भंवरलाल जी हमेशा ही कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो भाई साहब, घड़ी में बज चुके हैं 4। कितने यूनिट आएगा बाहर तक? ये अपने 108 यूनिट आ चुका है, लगभग 111 फाइनल हो जाएंगे। चलो, यूँ वास्ते बड़ा जोश हूँ, सब रक्तदान कर रही है और मैं चाहूँ कि आप सब रक्तदान करो। ठीक है साहब, रक्तदान ही माँ दान है। और अरे हरम भाई रा, तन हरम आवे को ना रे। अरे हुण ले बिना मैं बोलूं पापा ने। तू बिलम मौसम की बरसात आवे तो रमे, तू बता जन बिलम मौसम की बरसात क्या आ रही है बार? पाकिस्तान जीत गई वजह बरसात आई। नाराज कर दियो यार तू मने, यार पाकिस्तान जीत गई एडी कोई खबर देवे कोई शर्मी औलाद एडी खबर आइंदा सुन दे ना मने। पाकिस्तान जीत गई, ये क्या जीत गई यार, जने बिना मौसम की बरसात बुरी है, मैं क्यों क्या हुआ। चलो ब्लॉग ने एंड कर दा, मिला नया ब्लॉग के मायने, आज तो मूड खराब हुआ यार।